प्यारे बच्चों सुप्रभात। मैं आज आप लोग की इस वीडियो में बताऊंगी कि वर्ण विचार वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटा मौखिक या लिखित रूप है। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिन लिपि चिन्हों को साधन बनाया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, जितने भी है आदि, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अ है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी इनको वर्ण कहते हैं, इनको किसी के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे भाषा में प्रयुक्त वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे भी वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, मैं बता रही हूँ कि कैसे इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, ये शब्द है, तीन शब्द, मैं पढ़ाती हूँ। अब इसकी ध्वनियाँ कितनी हैं? मैं में टू ध्वनियाँ हैं, म हलंत लगाते हैं यहाँ पे, म प्लस ए, मैं, इसमें टू ध्वनियाँ हैं। मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाती में कितनी ध्वनियाँ हैं? प प्लस अ प्लस ढ प्लस ढ प्लस आ प्लस ई बड़ी पढ़ाती। 1 2 3 4 5 6 ध्वनियाँ हैं। ये व्यंजन है, व्यंजन पर हलंत लगाते हैं, स्वर पर नहीं, ऐसे पढ़ा ती। अब तीसरा शब्द है हूँ, ह प्लस बड़ा उ, पढ़ाती हूँ। इसमें दो ध्वनियाँ हैं मैं में, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ध्वनियाँ हैं। हूँ, इसमें भी 2 ध्वनियाँ हैं, मैं पढ़ाती हूँ। तो इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी की वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। पहले स्वर लिखा जाता है, वर्णमाला लिखते समय पहले स्वर लिखा जाता है और बाद में व्यंजन। अ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ अ अंग अ ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अंग और वह अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, स्वर नहीं। व्यंजन कबर कबर स्पर्श व्यंजन है, ये कबर्ग क
ख ग घ ङ च वर्ग च छ ज झ ञ ट वर्ग ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प वर्ग प फ ब भ म क च ट त प प है म तक। ये स्पर्श व्यंजन है, व्यंजन में भी ये स्पर्श व्यंजन है। ये क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन चार है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है चार, य र ल व उष्ण व्यंजन है, तलवी स मूर्धनि स दन्ति स और ह, ये उष्ण व्यंजन है। जब उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है उसको उष्ण व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ ये अंतस्थ व्यंजन। ये अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से है, ड ढ। यहाँ बताए हम लोगों को कि ये अयोग व ध्वनियां कौन कौन से हैं, अनुस्वार अनुस्वार अंग है, ये अनुस्वार है, विसर्ग विसर्ग अ है, अनुनासिक अनुनासिक ये चंद्रबिंदु, इसको अनुनासिक कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, इसको अनुस्वार अंग अ और चंद्रबिंदु अनुनासिक। अब ये व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो व्यंजन के पांच वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, क वर्ग वन, च वर्ग दो टू, क च ट त प, ये पांचवा, वन टू थ्री फोर फाइव, ये स्पर्श व्यंजन को पांच वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के भेद होते हैं थ्री, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। अभी मैं आप लोगों को संयुक्त व्यंजन बताऊंगी कि कौन कौन से व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। स्वर किसे कहते हैं, अब ये है स्वर, ये यहाँ से यहाँ तक स्वर है, तो स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। कैसे सहायता नहीं ली जाती है, आओ आओ बोलो आप लोग, देखो आओ ऐसे देखो आओ, इसमें किसी सहायता ली गई है, किसी की सहायता नहीं ली गई है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने में सहायता ली जाती है। क क
और क अ का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पर अ है, इसमें इसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सब सब की मात्रा होती है, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती है, तो अ का उच्चारण क में आता है अ। तो स्वर का उच्चारण करने, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जब उच्चारण करते हैं तो उसकी वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है, मुंह से वायु निकलती है, वो बिना रुकावट के निकलती है स्वर का उच्चारण करने में। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के, अभी मैं आप लोगों को बताई भी हूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में आओ आइए ये सब शब्द है, तो इसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली गई है, इसमें सहायता नहीं, बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। वायु में रुकावट, उच्चारण करते समय जो मुंह से निकलती है उसका उच्चारण करने में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती, स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। स्वर के कितने भेद होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर का अर्थ है छोटा अथवा कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये चार है, अ, छोटी, छोटा उ और री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ है बड़ा अथवा अधिक। हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात है, आ ई उ ए आई ओ औ, सात है ये। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय में किया जाता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है, जैसे कहते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में ये 33 व्यंजन है। व्यंजन के भेद, तीन भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ
मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो मैं पिछले अभी बताई हूँ पीछे आप लोगों को, ये स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, उसका उच्चारण स्थान भी बताऊंगी आप लोगों को। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि क, च, ट, त, प, ये है। क वर्ग उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क, ख, ऐसे बोल के देखो, क, ख, ग, ख, ङ, ये कंठ से उच्चारण होता है, ये इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च, च, छ, च, छ, ज, झ, ञ, इसका उच्चारण तालु है, तलवा जो जीभ जो है तलवा से स्पर्श करती है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण मूर्धा है, जो जीभ तलवा से थोड़ा सा आगे। आप लोग भी उच्चारण करके उसको ध्यान से देख, सुनते भी रहना है, देखते भी रहना है। त वर्ग दांत से होता है, उच्चारण करके देखो, त, थ, द, ध, न, ये दांत से होता है उच्चारण स्थान, दांत में जाके सटता है, जीभ स्पर्श करती है। प वर्ग, प, ओठ जो है सट रहा है उच्चारण करते समय, प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ है भीतर अथवा बीच में स्थित, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम लगता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, उष्म का अर्थ है गर्म, जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुख से बाहर उष्म निकलती है, उष्म मतलब गर्म हवा निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, तलाबी श, मूर्धनि श, दंती श, ह। उपर्युक्त व्यंजनों के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची गई, इसे हलंत कहते हैं। हलंत के नीचे ऐसे तिरछी रेखा खींची जाती है, मान लो ये क है, इसके नीचे ऐसे तिरछी रेखा खींच गई, खींच दी जाती है, उसे हलंत लग कहते हैं। हलंत या हल, हल चिन्ह। ये खींचने से स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर विहीन हो जाता है, बिना स्वर का हो जाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के संयोग से होती है। अब मैं बताऊंगी कैसे। व्यंजन क प्लस ये मूर्धनि स, रवन ये छ हुआ, अच्छा बनता है, क्षमा, त प्लस र, रव, त्रय, त्र, शब्द कैसे बनता है इसे, त्रिभुज प्लस र, श्रम,
व्यंजनों के संयोग से होती है ऐसे क ये श तलाबी मूर्धनि से अच्छ छतरी वाला छ। ये आप लोग का संयुक्त व्यंजन है। अभी द्वितीय व्यंजन बताऊंगी। द्वितीय व्यंजन कैसे बनता है, जैसे दो व्यंजन एक जैसा समान अपने समान प्रकट करता है उसे द्वितीय व्यंजन में बताऊंगी। पहले वर्ण के दूसरे व्यंजन पर लगा, दूसरे वर्ण पर लगाया जाता है। ये दूसरा वर्ण है, पहले पर वर्ण पर नहीं, दूसरे पर। सड़क ये ड वाला है पहले पर नहीं लगाया जाता है, पहले के बाद जो आता है दूसरा वर्ण उस पर लगाया जाता है व्यंजन। पकड़ पहले नहीं दूसरे तीसरे पर, लेकिन सुर में नहीं लगाया जाता। जो ड नीचे बिंदु रहता है सुर में नहीं लगाया जाता है, वो दूसरे के बाद लगाया जाता है, तीसरे के बाद लगाया जाता है, लेकिन बाद में लगता है। शुरू में ये लगाया जाता है जिसके नीचे बिंदु नहीं रहता है। ज और ज के नीचे बिंदु लगाने के लिए, ज के नीचे किसे बिंदु, ज के नीचे बिंदु लगाने पर इसका उच्चारण बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे गज और गज दोनों गज है, एक के नीचे बिंदु लगा है एक के नीचे बिंदु नहीं लगा है। तो जिसके नीचे बिंदु नहीं, ज के नीचे बिंदु नहीं लगा है गज, गज मतलब हाथी, गज गज मतलब नाप होता है कपड़े को नापने का यंत्र। जैसे एक गज कपड़ा, दो गज, गज से नापा जाता है कपड़े नापने का यंत्र है ये। जरा, जरा मतलब जिसके नीचे, ज के नीचे बिंदु नहीं लगा है जरा। बुढ़ापा, ज के नीचे बिंदु लगा है जरा थोड़ा सा, थोड़ा सा। जैसे एक बात हुआ जरा सा सब्जी में नमक डाल दो, जरा सा, तो जरा मतलब थोड़ा सा। और फ, और फ के नीचे जो बिंदु जहाँ लगा था, फ के नीचे बिंदु लगाकर लिख देने से उसका उच्चारण भी बदल जाता है तथा शब्दों में प्रयोग करने पर उसके अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फ, फन, सांप का फन, फ जिसके नीचे बिंदु लगा फन, कला, हुनर। द्वितीय व्यंजन जहाँ एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है उसे
द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। दो व्यंजन एक समान होते हैं लेकिन एक में स्वर नहीं रहता है, स्वर विहीन हो जाता है। जैसे मक्का, इसमें दो व्यंजन है, एक आधा व्यंजन है एक पूरा व्यंजन है। ये आधा व्यंजन है, एक ही समान दोनों है। मक्का, चक्का, एक ही समान व्यंजन है। अम्मा, आधा मा है एक पूरा मा है, मतलब एक आधा स्वर विहीन है, स्वर नहीं है इसमें, आधा मा में स्वर नहीं है। अम्मा, उसके बाद मुन्ना, मुन्ना, उसके बाद लट्टू, ल, ये आधा व्यंजन है फिर पूरा व्यंजन। टक नीचे हलंत लगाते हैं, लट्टू आदि। क वर्ण आदि पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वितीय नहीं होता है। जहां द्वितीय नहीं होता वहां मेल होता है, जैसे मैं बता रही हूं क च ट त प। क वर्ग का दूसरा और चौथा, क वर्ग का दूसरा कौन सा वर्ण है, ख है, चौथा कौन सा है, घ है। तो दूसरा और चौथा दोनों का द्वितीय व्यंजन नहीं होता है। च वर्ग में दूसरा और चौथा, ट वर्ग में दूसरा और चौथा, त वर्ग में दूसरा और चौथा, प वर्ग में दूसरा चौथा है, इसका द्वितीय व्यंजन नहीं होता है, इसका मेल होता है। जैसे क है, क के बाद दूसरा वर्ण कौन सा है, ख है, तो क प्लस ख बराबर क्या हुआ, क ख, इसका शब्द बना मक्खन, क ख मक्खन। च वर्ग में है जैसे च दूसरा क्या है, छ है, तो च और छ मिलके क्या, चच मच्छर, इसका मेल होता है, द्वितीय व्यंजन नहीं होता है, मेल होता है मच्छर। अयोगवा स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वरों पर या इनकी मात्राओं पर लगाकर बोला जाता है। जैसे इसमें है ओंकार, ओ स्वर है, ओ उस पर बिंदु लगाया जाता है, ओंकार। मे है, मे के ऊपर भी स्वर रहता है, इस पर बिंदु लगाया जाता है मे, ऐसे। तो ये स्वर, इन्हें स्वरों पर या इनकी मात्राओं पर लगाकर बोला जा सकता है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अंक, चंदन, कंगन, इसका उच्चारण ज्यादा नाक से निकल रहा है, कंगन। रंग, रंग, विसर्ग का उच्चारण हल्के ह के समान होता है। अतः, प्रातः, स्वतः आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से साथ बोले जाते हैं। जैसे चांद, दांत, मांद आदि।
अब मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगी। पिछली बार मैं आप लोगों से प्रश्न पूछी थी। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? 1, 2, 3। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। स्वर के कितने भेद होते हैं? सभी का नाम देखिए। सेवन नहीं चल रहा है। व्यंजन ये भी नहीं चल रहा है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? होते हैं। व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 9। 9 प्रश्न है। व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा
गया है।